The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन और लेट्स टॉक अबाउट साइड इफेक्ट ऑफ डायबिटीज मेडिकेशन। सो दोस्तों, दुनिया में कई सारी जनता है जो शुगर डायबिटीज से पीड़ित है और डायबिटीज जितनी कॉमन है उससे ज्यादा कॉमन है लोगों का डायबिटीज की मेडिसिन पे लंबे समय तक रहना। जब भी आप किसी दवा को लंबे समय तक लेने वाले होते हो या ले रहे होते हो तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है क्या वो दवा के साइड इफेक्ट है, क्योंकि दवा के साइड इफेक्ट के बलबूते पर ही आप लोगों के दारोमदार बैठता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उस दवा के चलते आपका किडनी फेल हो जाए, लिवर फेल हो जाए, फलाना फलाना ढमकाना ढमकाना। बहुत सारे लोगों को डर भी होता है कि ये इस तरह की एलोपैथिक दवाइयां हैं, पता नहीं वो अगर उन्होंने मेरा ये सब कोई मेजर साइड इफेक्ट कर दिया तो मैं क्या करूँगा। और इसी बेसिस पे कई लोग उनको डराते भी है, कई वीडियोस बने पड़े हैं कि भैया गलती से ऐसी दवाइयां मत शुरू करते ना, जिंदगी भर चलेंगी, बंद होंगी ही नहीं, इंजेक्शन चालू कर दिया तो बंद ही नहीं होंगे, साइड इफेक्ट पे साइड इफेक्ट होंगे। सो क्वाइट फ्रेंकली ये सब गलत धारणा है, ये सब सच नहीं है। ज्यादातर केसेस में टाइप 2 डायबिटीज को डाइट से, लाइफस्टाइल चेंजेस से कंट्रोल किया जा सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कंट्रोल को होने को कुछ समय लग जाएगा। जहाँ पे हम दो दिन में मोटे हुए नहीं हैं तो दो दिन में पतले भी नहीं होंगे और दो दिन में शुगर कंट्रोल भी नहीं होगी। इसको जब सालों लगे हैं तो कुछ महीने तो लगेंगे, और ये कुछ महीने शुगर हाई रहती है तो आपके शरीर में हाई शुगर डैमेज ज़्यादा करती है दवा से कम 50 गुना ज़्यादा। जी हाँ, दवा के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन यही चीज़ देखनी होती है कि रिस्क और बेनिफिट का रेशियो क्या है। एक तरफ दवा नहीं देने से शुगर हाई है, वो शुगर हाई आपके शरीर को, आपके आईज़ को, किडनी को, नसों को, हार्ट को, हर चीज़ को हाई ब्लड शुगर डैमेज करती है। और दूसरे तरफ दवा है, अगर दवा के थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो रिस्क बेनिफिट रेशियो के हिसाब से आपको आगे बढ़ना होता है। इसीलिए एक प्री डायबिटिक कंडीशन में आपको दवा नहीं दी जाती, नहीं देनी चाहिए। ऑल्दो ऐसे डॉक्टर भी होंगे दुनिया में जो प्री डायबिटिक वाले को भी दवा दे देते होंगे, बट देन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट गुड एंड बैड डॉक्टर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट डायबिटीज। सो डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज में दवाइयाँ दी जाती है, उन दवाइयों के बारे में हम बात करेंगे। और याद रखिए, हर दवा का साइड इफेक्ट है, हर चीज़ का साइड इफेक्ट है, पानी का भी है, नमक का भी है, शक्कर का भी है, शुगर का भी है, तो दवा क्यों छूट जाएगी, दवा का भी साइड इफेक्ट है। सो टाइप 2 डायबिटीज की दवाएं, सबसे पहले आपको समझना है, अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हो और आप अपने गिरेबान में झांक के देखो, अगर आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ मेरी डाइट हेल्दी है, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, तो खुद ही आपकी डायबिटीज के ही साइड इफेक्ट्स आते रहेंगे, फिर दवा को ब्लेम करने का आपको कोई हक नहीं बनता जनाब, ठीक है, फिर दवा को ब्लेम नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि आपकी डाइट ही हेल्दी नहीं है, आपकी एक्सरसाइज की रूटीन ही नहीं है। आप जब एक्सरसाइज ही नहीं कर पाते हो थोड़ी भी, डाइट भी हेल्दी नहीं ले सकते हो, तो डायबिटीज कंट्रोल भी नहीं होगी, दवाई बढ़ती जाएगी, साइड इफेक्ट आते जाएंगे, यू आर गोइंग टूवर्ड्स द नेगेटिव साइड ऑफ योर लाइफ, सिंपल। अगर आप डायबिटीज, डायबिटिक हो, टाइप 2 डायबिटीज, जेस्टेशनल डायबिटीज, कोई भी हो, सो आपका गोल है कि आपका शुगर लेवल्स, डॉक्टर का गोल है कि आपका ब्लड का शुगर लेवल जो है वो कम रहना चाहिए, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। बहुत सारे प्रकार के डायबिटीज की दवा आती है इस चीज को अचीव करने के लिए। डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस सबसे प्रायोरिटी है, याद रखिए, बार बार बोल रहा हूँ, डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस आर प्रायोरिटी। कार्बोहाइड्रेट्स कट करने, सिंपल शुगर्स बंद करने, दैट इज द प्रायोरिटी। अलॉट ऑफ लिक्विड लेना, एक्सरसाइज करना है, बेसिक क्लियर, राइट। फलाना फलाना हम कारण, उसके लिए बहुत सारे हमारे डायबिटीज के वीडियो आप देख सकते हैं, राइट। सो कई लोगों को एक से ज्यादा दवा चल रही है, कई लोगों को इंसुलिन भी चल रहा है, और हमारा सवाल उठता है कि क्या साइड इफेक्ट्स हैं उसके। साइड इफेक्ट का मतलब होता है अनवांटेड इफेक्ट, जो हमारे को एक दवाई से आ रहा है, एक मेडिसिन से आ रहा है, वो अनवांटेड, राइट। कॉमन साइड इफेक्ट किसी भी दवा के होते हैं, पेट अपसेट होना, आपका रिएक्शन होना उस दवा से, सो हो सकता है आपको नौजिया हो, वॉमिटिंग हो, अपसेट पे उल्टी जैसा लगे। सो ऐसे में आपको अगर कोई स्पेसिफिक दवा के कोई स्पेसिफिक साइड इफेक्ट होंगे तो आपको डॉक्टर बता देंगे। उसके लिए समझ लेते हैं दो चार डाइट साइड इफेक्ट्स। डायबिटिक की कॉमन दवाइयाँ अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे सबसे कॉमन है सल्फोनिल यूरियास।
सल्फोनिल यूरियाज जो दवा है उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं कि आपका शुगर लो हो सकता है, जैसे ग्लिमिप्राइड, ग्लिबिनकवाइड, ऐसी दवाइयों के साइड इफेक्ट्स होते हैं कि वो शुगर लो कर देती हैं, तो ज़्यादा लो कर सकती हैं, तो हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, पेट खराब तो हो ही सकता है, स्किन रैश हो सकता है, इचिंग हो सकती है, वेट गेन हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी शुगर ज़्यादा है आपके ब्लड में, वो सारी शुगर को हमने सेल्स में डाल दिया, सेल्स जो पहले से भूखे थे अब वो ओवर फीड हो गए, उनको खाना ज़्यादा आ गया, इतनी ज़रूरत नहीं है, तो वो सारे सारे खाना का फैट बना रहे हैं। सो इनटेक हमने कम नहीं किया, हमने कार्बोहाइड्रेट कम नहीं करे, हमने सिर्फ वो जो शुगर अंदर थी उसको सेल्स में लेके गए सल्फोनिल यूरियाज, और उससे एक तो शुगर, ब्लड शुगर लो होने का रिस्क, दूसरा मोटे होने का रिस्क है, लेकिन अल्टीमेटली जिनमें कंट्रोल नहीं होती उनमें सल्फोनिल यूरियाज को ही इस्तेमाल करना पड़ता है, सल्फोनिल यूरियाज यानी ग्लिमिप्राइड जैसी दवाइयाँ। अब याद रखिए, ये जो साइड इफेक्ट बताएं ये हर एक में होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ लोगों में ज़्यादा होते हैं, कुछ लोगों में नहीं होते, सो यू हैव टू मॉनिटर, इसीलिए डॉक्टर के पास रेगुलर जाना पड़ता है। द सेकेंड मेडिसिन इज वेरी कॉमन, आपकी ग्लाइकोमेट, मेटफॉर्मिन, बाइगुएनेट्स। मेटफॉर्मिन, ग्लाइकोमेट या ऐसी दवाइयाँ हैं जिसमें मेटफॉर्मिन है, दैट मेटफॉर्मिन कैन कैन हैव प्रॉब्लम विथ अल्कोहल, दारू के साथ वो नहीं जमती, तो सिकनेस हो सकती है अगर दारू के साथ पियोगे, तो कम से कम 4 घंटे का गैप रखना जरूरी है, 4 घंटे पहले, 4 घंटे के बाद। किडनी के अंदर कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं अगर आपकी किडनी की बीमारी है, या अगर हम किडनी की कोई भी मेजर ऑपरेशन कर रहे हैं, मान लो एंजियोग्राफी कर रहे हैं, डाई डाल रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट स्टडी कर रहे हैं, तो मेटफॉर्मिन को कुछ दिनों के लिए बंद करना पड़ता है। सो याद रखिए, ऐसा नहीं कि मेटफॉर्मिन खाते हुए किडनी खराब हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। ये है कि मेटफॉर्मिन से आपका एसिडोसिस, लैक्टिक एसिडोसिस ज़्यादा हो सकता है अगर उसी समय दूसरी कोई हार्मफुल चीज़ होती है किडनी के साथ। सो किडनी की बीमारी में मेटफॉर्मिन को अवॉइड किया जाता है। स्टमक अपसेट इससे भी हो सकता है, डिजीनेस, टायर्डनेस हो सकता है, मेंटल, और मेटफॉर्मिन से मेटलिक टेस्ट आ सकता है आपके टंग में, मेटलिक टेस्ट, मेटल जैसा टेस्ट। याद रखिए, इसमें भी साइड इफेक्ट सब में नहीं होते, और ये भी बहुत कॉमन दवा है, मोस्टली ज़्यादातर लोगों में पहली दवा यही होती है मेटफॉर्मिन शुरू करने वाली। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा अच्छी बात इसमें है कि ये शुगर को लो नहीं करती, हाई है तो नॉर्मल करती है, नॉर्मल है तो लो नहीं करती, हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करती है, तो वन ऑफ द वेरी गुड साइड इफेक्ट, मतलब अच्छी बात ये है, तो इसको सेफली दिया जा सकता है। फिर उसके बाद तीसरी दवाई आती है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स। देखिए दवाइयाँ बहुत प्रकार की हैं, दो सबसे कॉमन दवाइयों को मैंने बता दिया, दूसरी दवाइयाँ जैसे अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स हैं, ये गैस, ब्लोटिंग, डायरिया कर सकती हैं सारी दवाइयों के जैसे। फिर थायजो लिलीडिडियोन्स है, बड़ा कॉम्प्लिकेट्स का नया नाम है, थायाजो लिडीडिनोन डोन्स, सॉरी मिस प्रोनाउंसेज के लिए। सो ये क्या करता है, वाटर गेन करवाता है, पायोग्लिटाजोन, सुना होगा नाम, पायोग्लिटाजोन, इससे क्या होता है वाटर गेन होता है, और कभी कभी आपका वजन बढ़ सकता है, स्वेलिंग हो सकती है पैरों में, एंकल्स में, एनीमिया का रिस्क बढ़ जाता है, और रेयर केसेस में लिवर डिजीज होने के चांसेस होते हैं, इसीलिए इसको भी मॉनिटर करना पड़ता है। हर पेशेंट जिसको डायबिटीज होती है उसके रेगुलर ब्लड टेस्ट होने भी जरूरी होते हैं इन सारे कारणों के चलते। उसके बाद आता है मैग्लिटिनाइड्स। मैग्लिटिनाइड्स क्या होते हैं? मैग्लिटिनाइड्स भी वेट गेन कर सकते हैं, लो ब्लड शुगर कर सकते हैं मैग्लिटिनाइड्स, और मैग्लिटिनाइड्स भी एक इम्पॉर्टेंट क्लास है दवाई की, और मैग्लिटिनाइड्स में आता है रिपाग्लिनाइड और ऐसी दवाइयाँ, राइट, सो नेटेग्लिनाइड, ऐसी दवाइयाँ आती हैं। एनीवे, तो ये पांच, चार पांच प्रकार के कैटेगरीज हो गए। साइड इफेक्ट्स जो होते हैं और भी हो सकते हैं, ये लिस्ट इनकम्प्लीट हो सकती है, याद रखिए अपने डॉक्टर से आपको बात करनी है अगर आपको लग रहा है कि आपको किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट, एलर्जिक रिएक्शन कुछ भी हो रहा है ऐसी किसी दवा से। डायबिटीज के लिए बहुत जरूरी है आप लोगों को समझना कि आपकी दवाइयाँ एडजस्ट होती रहती हैं आपके साइड इफेक्ट्स के बेसिस पे, आपके ब्लड शुगर कंट्रोल के बेसिस पे, आपके अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, इन सब के बेसिस पे। महंगी दवाई है, साइड इफेक्ट कम है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो सस्ती दी जाती है, सस्ती है, साइड इफेक्ट आ रहे हैं तो चेंज की जाती है साथ में, लेकिन बहुत ज़रूरी है आपका डाइट कंट्रोल करना। डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस सर्वोपरि हैं डायबिटीज़ में, उसको हल्के में नहीं लेना है,
उसके लिए जाके डायबिटिक डाइट वाले वीडियो देखो, डायबिटीज़ के बेसिक को समझो, इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझो, डायबिटीज़ में डाइट का क्या रोल है, खाने में कौन से में खाने में कार्ब ज़्यादा है, किस में कम है, किस में सिंपल शुगर क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्ब क्या है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बैठे रहेंगे तो साल हो जाएगा, इसलिए बहुत सारे वीडियोज़ हैं, ज़रूर डायबिटीज़ के सारे वीडियो देखिए। और आपको कोई सवाल है उनको देखने के बाद तो मुझसे ज़रूर पूछिए, और याद रखिए सवालों के जवाब देने की कोशिश की जाती है। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।